तो मैं अपने लिए हेडफोन ऑर्डर कर ही रहूंगी। ऐसे नहीं कर सकती मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस, दोस्तों से बात, और ना ही मैं म्यूजिक भी नहीं सुन पाती हूँ। ऑनलाइन ऑर्डर करना भी ना एक सिरदर्द बन चुका है। ऑर्डर कुछ करते हैं, आता कुछ है। ओहो, ऑर्डर करने के लिए तो क्रेडिट कार्ड भी तो चाहिए होगा, और क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा मम्मी का। चलो फिर मैं मम्मी के पास चलती हूँ। मम्मी मम्मी, आप मुझे अपना एटीएम कार्ड दे दो ना प्लीज। क्यों भाई, मेरे एटीएम कार्ड की क्या जरूरत पड़ गई आपको? अरे मम्मी, दो तो। एग्जाम्स की रिपोर्ट कार्ड दिखाने की उम्र में एटीएम कार्ड मांगते हुए शर्म नहीं आ रही? ओह हो मम्मी, मेरे को ना एक हेडफोन ऑर्डर करना है, बस उसी के लिए पेमेंट करनी है। फिर से एक हेडफोन? पुराने वाले ईयरफोन कहाँ गए तेरे? मम्मी अब आपको क्या बताऊँ, ईयरफोन के एक साइड के स्पीकर ही खराब हो गए थे। फिर उसको घोल के थोड़ी कलाकारी करने की कोशिश करी थी, पर फिर मम्मी दोनों साइड के स्पीकर खराब हो गए। यही होता है, कलाकारी के चक्कर में कर दी ना लापरवाही। मेरे पास कोई कार्ड वार्ड नहीं है, मैं नहीं दे रही। अरे अब क्या हो गया? बैठो। पापा पापा सुनो, मेरे को ना अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, मेरे को पेमेंट करनी है। ये ले। अगर आपने इसको एटीएम कार्ड दिया ना, मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। अरे इसलिए मैं चाहता भी नहीं तुमसे बुरा कोई हो इस धरती पे। अरे इतना, ये तो तुम छोड़ो, मैं तो दे रहा हूँ उसको क्रेडिट कार्ड। थैंक यू सो मच पापा। अरे आप समझते क्यों नहीं हो, अगर आप इसे क्रेडिट कार्ड दोगे ना, ये फालतू का इधर उधर खर्चा करती रहेगी, आपको समझ नहीं आती इस बारे में? अरे इतना, ये सही है, जब तुम मेरे क्रेडिट कार्ड से लाओ सामान और मोहल्ले में करो चर्चे, और वही काम करे जब जिन्नी, तो हो जाते बहुत ज्यादा खर्चे। और नहीं तो क्या पापा, मम्मी हमेशा ऐसी करती हैं। आप तो छुपी रहो चिन्नी बेटा, पिछले हफ्ते आपने नया हेडफोन लिया था ना, और आप क्या समझते हो अपने आप को, आप कभी मेरे लिए अच्छा बोल सकते हो कभी? ठीक है इश्ना, तो आज ना मैं ये तुम्हारी ना गलतफहमी तोड़ देता हूँ। पापा क्या आप मम्मी के लिए कुछ अच्छी बात कहोगे? क्या क्या सच में? मेरे तो कान तरस गए सुनने के लिए। ठीक है इश्ना, तो शुरुआत ना मैं छोटी सी शायरी से करता हूँ। फरमाइए जरा। तो कर्ज किया है कर्ज। कर्ज नहीं चिंदी के पापा, अर्ज, अर्ज, इट्स अर्ज। हाँ हाँ इश्ना, वही वही, अर्ज किया है। फिजा में महकती, फिजा में महकती शाम हो तुम। फिजा में महकती शाम हो तुम, प्यार का पहला जाम हो तुम, प्यार का पहला जाम हो तुम। क्या कहे जानम तेरे बारे में, क्या कहे जानम तेरे बारे में, खर्चे की दुकान हो। ये बढ़िया था बाबा, तारीफ तारीफ। हाँ हाँ हंसो, सारे हंसो, मेरे ऊपर खूब हंसो। खर्चे की दुकान पे जिनी आप जो मुझे बोल रहे हो, सारा दिन ऑनलाइन खर्चा करती रहती है। हाँ पापा, मम्मी सही कह रही है, जी सारा दिन ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती है। मुझे क्या है, करो खूब खर्चा करो। पापा चप्पल कितने में ऑर्डर होती है? तमीज से बात करो जिन्नी दीदी। एक काम कर, पहले ना तमीज का नंबर दे दे, फिर मैं उससे आराम से बात करूंगी, बैठ एक दो घंटे बात करूंगी। और पापा थैंक यू सो मच, मैंने अपना सामान ऑर्डर कर दिया है, हेडफोन ऑर्डर कर दिया है। और हाँ एक और बात पापा, जब तक मेरा हेडफोन डिलीवर नहीं होगा तब तक मैं आपका हेडफोन यूज करूंगी। जिनी हेडफोन से याद आया, मैं एक बार ना परमिंदर जी के साथ ना दुबई जा रहा था, और परमिंदर जी ना पायलट का हेडफोन छीन रहे थे। पापा क्यों? अरे ध्वनि, पायलट ने जब पूछा ना, तो अपने परमिंदर जी ने पता क्या बोला, टिकट हम ले और गाने तुम सुनो।
कौन अपने परमिंदर पाल जी चंडीगढ़ वाले? हाँ हाँ वही। पायलट लोगों का तो समझ में आता है, पर इस लड़की को हेडफोन की क्या जरूरत पड़ गई है? कान ही खराब होंगे, सारा दिन हेडफोन पे गाने ही सुनेगी और कुछ नहीं करेगी। मान जाओ अभी भी मेरी बात टाइम है। अरे मम्मी पापा आपको नहीं पता, जब बस या ट्रेन में बाजू वाली सीट पर बैठे लोग अपना गीत गाना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि हेडफोन कितना महान आविष्कार है। ये बात तो तूने सही कही, तूने मेरा दुख दर्द बिल्कुल मतलब तूने हमें दिल से लगा लिया जीनी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चलो मेरा तो हो रहा है म्यूजिक सुनने का टाइम। और पापा आपके हेडफोन तो आपके कमरे में होंगे ना? ऑब्वियसली बेटा। चलो ऐसे ना मुझे तुम देखो, जीएसटी लगा दूंगी, पैसे भी चुरा लूंगी मैं, टैक्स भी लगा दूंगी मैं, ऐसे ना। अरे चुप हो जा, भिक्षुक पूजा की इकलौती बहन, चुप हो जा, रहम कर ले हम पे। क्या हो गया मम्मी? क्या हो गया कि बच्ची, इंडियन आइडल से आए तुझे ले जाने के लिए। जा जा। अनु मलिक, हिमेश आ गए क्या? हाँ हाँ जाओ, चाय नाश्ता भी लगा दो वहाँ पे जाके। इतनी जोर जोर के चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के गा रही हो ना, वो लोग भी देश छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। और 2 घंटे से कान में हेडफोन लगा रखे, कान नहीं खराब होंगे, बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे कान। अरे मम्मी अब ऐसे शुरू हो गए। बेटा मैं तो ना आपको डिनर के लिए बुलाने आई थी, आ जाओ जल्दी से कुछ खा पी लो। और हाँ अपने साथ इस हेडफोन को मत लेकर आना, खाना मैंने आपके लिए बनाया, इसके लिए नहीं बनाया है। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। क्या हो गया मम्मी? क्या हो गया? जिन्हें सारा दिन हेडफोन लगाए घूमती रहती है, कितना असर पड़ेगा उसके कानों पे? इसना अब क्या करें? अब क्या करें? ये बात तो पहले पूछनी चाहिए थी ना, हेडफोन देने से पहले। और हाँ ऑनलाइन और ऑर्डर कर दिया। मम्मी अब कुछ तो करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा धुआनी, मैं ही कुछ सोचती हूँ। इस घर में मेरे अलावा और कोई है ही नहीं समझदार, सारे बेवकूफ भरे पड़े। पढ़ते पढ़ते ख्याल आया, पेन उठाया, पेपर उठाया और नई इक्वेशन बनाई। बेड प्लस में जाई, बाहर में गई पढ़ाई, चलो सोते हैं। ये लड़की नहीं सुधरने वाली, क्या करूं मैं इसका? इन्हें ही बताती हूँ अच्छे से, बड़ा हेडफोन लगा रखी है। देखा अपनी लाड़ली को? क्या हो गया, कुछ बताओ तो सही। हेडफोन लगा के सो रही है बड़े मजे से। मम्मी धीरे बोलो, उठ जाएंगी। कैसे उठ जाएगी, लाउड म्यूजिक जो सुन रही है। यार ये बात तो सही है, लेकिन एक बात बताओ, तुमने आज कुछ प्लान बनाने का भी तो सोचा था ना? हाँ मेरे पास एक आइडिया है। क्या? इसे तो मैं कल बताती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप भी जानना चाहते हो कि मैं कल जीनी के साथ क्या करने वाली हूँ तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और हाँ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब का बटन कैसा होना चाहिए? ग्रे, ऐसा होना चाहिए ग्रे कलर का, जिसका रेड है वो ग्रे कर दो और ग्रे है तो बिल्कुल मत छेड़ना। तो चलो आगे देखते हैं। अरे जीनी बेटा जरा चाय में शक्कर तो डाल के पिला दे। हाँ। अरे अरे जीनी बेटा ये क्या कर रही हो? अरे मम्मी अभी आप ही ने तो बोला कि चाय में शक्कर डाल दो। अरे जीनी बेटा आप ऊंचा सुनने लग गए हो क्या? अरे मैंने कहा नेहा खक्कर के क्या हाल चाल है। हाँ दीदी, मम्मी ने नेहा खक्कर का था, आपको शक्कर सुनाई। अरे नहीं ध्वनि, कई बार सुनने में कन्फ्यूजन हो ही जाती है। कोई बात नहीं कोई नहीं, चलो सब फ्रेश हो जाओ। चलो चलो ओके मम्मी। चलो चलो चलो। 1 hour later। इसमें आज तो तुमने ब्रेकफास्ट में मजा ही कर दिया, मतलब उत्पम खिला दिया जिसमें सारी वेजिटेबल थी। और तुम्हें पता है उसकी खासियत क्या? खासियत ध्वनि, मतलब वेजिटेबल खाना सीख जाएगी
लेकिन हमारी जिन्नी बेटी कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। मम्मी आपने तो उसको इतना अच्छा लगाया था, इतना अच्छा लगाया था कि आज मैं स्कूल तो लेके जाऊंगी। स्कूल लेके जाएगी वो अपने साथ। तो चलो कोई नहीं, जिन्नी कहाँ है? जिन्नी कहाँ है? आई रही होगी, कितनी तो आवाज लगाई है। पापा मम्मी आप दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया और मेरे को क्यों नहीं बुलाया? सिर्फ हम दोनों ने नहीं, ध्वनि ने भी कर लिया। अरे जिनी कैसी बात कर रही हो बेटा, मैंने कितनी आवाजें लगाई आपको, आपने सुनी ही नहीं। अरे दीदी जब मैं ब्रश करके आई थी नीचे तो भी तो मैंने बोला था कि मम्मी बुला रही है ब्रेकफास्ट के लिए आपको। और क्या इतनी आवाजें लगाई, मुझे लगा आपको खाना ही नहीं है इसलिए हमने सारा ब्रेकफास्ट खत्म कर दिया। हे भगवान ये मेरे कानों को क्या हो गया है, कभी ऊंचा सुनती हूँ कभी तो सुनती ही नहीं हूँ। अरे जिनी बेटा तू टेंशन मत ले, ये सब नॉर्मल होता है। पापा ये नॉर्मल अबनॉर्मल कुछ नहीं होता है, मेरे बस कान खराब हो गए। काम करते हैं इसके कानों का इलाज करा देते हैं। हाँ मम्मी चलो डॉक्टर के पास, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब डॉक्टर के पास क्यों जाना है जिनी? अरे मम्मी अभी तो आपने कहा कि कान का इलाज करवा देते हैं। अरे जिनी बेटा तेरे कान ना सच में ही खराब हो गए हैं कंटिन्यूअस हेडफोन लगाने की वजह से। क्यों क्या हुआ? हाँ जिनी मैंने अभी ये कहा कि दुकान से प्याज लिया, मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ। मम्मी पापा कुछ तो करो, मुझे मेरे कान सही सलामत चाहिए। ये तो आपको हेडफोन लेने से पहले सोचना चाहिए था। कब से समझा रही हूँ कि ज्यादा हेडफोन पे म्यूजिक मत सुना करो, पर आप मानते कहो। आपको पता है कान के पर्दे का सीधा कनेक्शन ब्रेन से होता है, अगर कान में प्रॉब्लम होगी तो ब्रेन भी खराब हो जाएगा आपका। पापा सबसे पहले तो आप एक काम करो, जो मैंने आपसे हेडफोन ऑर्डर करवाया था ना वो आप कैंसिल कर दो, मुझे कोई हेडफोन नहीं चाहिए। और पापा मेरे को डॉक्टर के पास ले चलो। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अब इसे क्या हुआ? हाँ ये कहीं सच में डॉक्टर के पास तो नहीं जा रही? अरे ध्वनि जल्दी से चीनी को जाके दे, कभी सच में डॉक्टर के पास तो नहीं चली गई? कोई नहीं चीनी दीदी, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगी। हे भगवान मेरी जिन्नी दीदी के कान सही कर दो। हे भगवान, भगवान सबकी सुनते हैं, बस जब मेरी बारी आती है तब कानों पे हेडफोन लगा लेते हैं। मुझसे तो और भी ना जाता। अरे रात मुझसे भी जा रहा, मैं तो क्या सोच रहा हूँ, सच बता देते हैं ना। चल कौन सा सच मम्मी पापा? बेटा आपके कान बिल्कुल ठीक है, ये सब हमने आपको सबक सिखाने के लिए ड्रामा किया था। क्या? हाँ मम्मी पापा मैं समझ चुकी हूँ, आज से ना मैं हेडफोन जरूरत के हिसाब से यूज करूंगी। तो फ्रेंड्स कोई भी चीज आप यूज कर रहे हो तो उसको जरूरत के हिसाब से यूज कर लो, अदरवाइज आपके कान भी खराब हो सकते हैं। जैसे जिन्नी ने हेडफोन ज्यादा यूज किया तो उसके कान खराब हो गए, कान खराब भी हुए थे वो तो, हम लोगों ने उसके ऊपर प्रैंक किया था, बट सुधारने के लिए पेरेंट्स को स्टेप उठाना पड़ता है। तो वी होप आपको हमारे वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।